नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रेट सक्सेस के बारे में। पाम को देख के कैसे पता चल सकता है बहुत बड़ी सक्सेस लाइफ में अचीव करेंगे, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन अच्छा होगा और सडन वेल्थ, सडन सक्सेस, इन सारी बातों को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी आप लोगों से। आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये सारी चीजें, जो भी सक्सेस की बात हो, रिस्पेक्ट की बात हो, रेपुटेशन की बात हो, अच्छे पोस्ट की बात हो, सडन वेल्थ की बात हो, सडन सक्सेस की बात हो, ग्रेट अचीवमेंट की बात हो, है ना, सारा कुछ देखने के लिए हम लोग द सन देखेंगे, यानी कि द माउंट ऑफ सन, यानी कि सूर्य के पर्वत को देखेंगे। सूर्य जिस प्रकार से अगर एक दिन उदित ना हो तो क्या हाल होगा दुनिया का, तो वो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हाथ में, अगर कुंडली में, अगर लाइफ में सन ना हो तो लाइफ बेकार हो जाता है। एक दूसरी चीज देखिए, 9 के 9 ग्रह जो होते हैं ना, हमारे रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पिता का हाथ ना हो, पिता ना हो, तो हमारा लाइफ में क्या अस्तित्व होगा, कोई अस्तित्व नहीं है। तो पिता का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है हमारे लाइफ में। उसी प्रकार से हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा सूर्य का महत्व होता है और सूर्य को हम आत्मा के कारक भी बोलते हैं, सूर्य पिता के कारक भी होते हैं और सूर्य जो होते हैं ना वो हमारे रिस्पेक्ट के भी कारक होते हैं और सूर्य को ग्रहों में राजा की संज्ञा मिली गई है। तो देखिए सूर्य का इम्पोर्टेंस कितना है और सूर्य से जो मिलने वाली जो किरणें होती हैं, दिन होता है हमारा, इससे जो विटामिन मिलते हैं, इससे जो एनर्जी मिलते हैं, उसका एक अलग प्रभाव है। तो सूर्य कहीं से भी, कहीं भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, फैमिली मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, किसी राज्य के राजा, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो हर जगह सूर्य का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तो आज मैं उसी सूर्य के बारे में बात करूंगी, तो आप लोग बस ध्यान से देखिए कि सूर्य क्या है। देखिए आपके हाथ में कहां पे सूर्य होता है, आज मैं पाम की बात करूंगी, हो सकता है बीच में किसी प्रकार से कुंडली की भी बातें हो सकती है, बट पाम मेरा ज्यादा रहेगा फोकस पाम पे। ये जो आप फिंगर देख रहे हैं ना, ये रिंग फिंगर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोलो फिंगर भी बोलते हैं, सूर्य का फिंगर भी बोलते हैं, अनामिका फिंगर भी बोलते हैं, बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं इस फिंगर को। इस फिंगर के जो नीचे का जो एरिया है ना, इस एरिया को हम लोग सूर्य पर्वत बोलते हैं, सन माउंट बोलते हैं, अपोलो माउंट बोलते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, सारे माउंट जो होते हैं ना, हमारे एनर्जी के स्टोरेज हैं। तो स्टोरेज हैं तो इसका मतलब क्या, अब बैग में कपड़ा ही भरेंगे तो क्या स्टोर जब होगा कपड़ा, तो वो बैग थोड़ा अप हो जाता है, फुल जाता है, पफी हो जाता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे अपने सूर्य माउंट को, अगर इसमें एनर्जी अच्छा होगा, यानी कि आपके लाइफ में सूर्य की एनर्जी अच्छी है, सबसे पहले माउंट देखना है, माउंट पफी होगा, पिंक कलर जो कि बेस्ट कलर बोला जाता है पामिस्ट्री के वर्ल्ड में, इस कलर को बेस्ट कलर बोलते हैं। तो आपको पहला, सबसे पहले तो इसका कलर देखना है कि ये पिंक कलर है, एक दूसरा देखना है ये माउंट पफी हो, उभरा हुआ अप हो, उसके बाद एरिया देखना है, ये एरिया कितना बड़ा ले रहा है ना। एरिया कैसे देखेंगे, जैसे देखिए आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे ये जो सूर्य माउंट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर दूसरा माउंट शुरू हो गया, देखिए बुध का उभार हो गया, यानी कि यहाँ तक एरिया है, यहाँ पे देखिए ये शनि का एरिया, यानी कि यहाँ तक एरिया है, मतलब यहाँ तक एरिया है ना, इतना बड़ा एरिया है हमारे सूर्य। तो इस तरह से हम एरिया डिसाइड करेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, इस पे सिंगल वर्टिकल खड़ी लाइनें, देखिए पामिस्ट्री में खड़ी लाइनें को बहुत ही शुभ बोला गया है, बिल्कुल खड़ी लाइनें, यानी कि आपके एनर्जी का जो बहाव है ना, आपके लाइफ में एनर्जी का जो एक तरह से कहते हैं फ्लो है ना, बहुत परफेक्ट है ना। तो यहाँ पे ये खड़ी लाइनें शुभ बोली गई है। तो आप देखेंगे इस प्रकार से कि यहाँ पे इस माउंट पे इस प्रकार से सारा योग बन रहा है, तो यानी कि सूर्य माउंट आपका अच्छा है, सिर्फ पफी हो, पिंक हो और उभरा हुआ हो, अप हो, तो ये सूर्य माउंट अच्छा है। अब सूर्य माउंट मात्र अच्छा है और फिंगर भी चेक करना है। फिंगर को क्या चेक करना है, आपको इस प्रकार से देखेंगे, ये जो आपका बीच का फिंगर है ना, ये मिडिल फिंगर है ना, ये मिडिल फिंगर के पहले पोर, कहीं कहीं ये तीसरा पोर भी बोला जाता है, कहीं कहीं इसे पहला पोर भी बोला जाता है, तो आपको जैसा समझना है समझ लीजिए। तो ये पहला पोर से अप हो, ये जो सूर्य का फिंगर है ना, पहला पोर से अप हो, एटलीस्ट पहला पोर तक पहुंच रहा हो, ठीक है। अगर अप हो तब तो ये अच्छा है, यानी कि आपका फिंगर का लेंथ अच्छा है, एंटीना अच्छा है। पहले टाइम में ना एंटीना ही सिग्नल देता था, अभी भी देता है, लेकिन अभी इसका जो है ना फॉर्मेशन अलग हो गया है। तो आप देखेंगे ये अच्छा अगर है, तो यानी कि एंटीना अच्छा है, एनर्जी जो है ना यूनिवर्स एनर्जी को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेगा और आपके ये जो बॉक्स है ना, ये आपका जो एरिया, इसमें फुलफिल करेगा। तो फिंगर का काम यही होता है। इसीलिए ना बड़े बुजुर्ग पहले जमाने में जब कोई लड़की देखने जाते थे ना, तो क्या देखते थे, अरे हाथ पैर देखते, हाथ बहुत अच्छा है, लंबा लंबा उंगली है, मतलब लंबी
लंबी लंबी उंगलियां हैं, ये सब अच्छा लगता था उनको। तो उन्हें नहीं पता था, या फिर बहुतों को पता होगा, पामिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा शुभ बोला गया है अगर जिसकी भी फिंगर लॉन्ग हो। तो फिंगर लॉन्ग है, इट मीन्स बहुत अच्छे यूनिवर्स से एनर्जी को हम एब्जॉर्ब करते हैं। तभी तो कोई भी रत्न को ना फिंगर में पहनाने से वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि यहीं से सारा नर्व हमारे माइंड तक जुड़ा हुआ है और सारा काम माइंड से ही होता है, और हमारे माइंड का मिरर है हाथ। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो ये इस प्रकार से देखेंगे तो मात्र आपका फिंगर और माउंट अच्छा हो तो आपके लाइफ में पिता का सुख बहुत अच्छा, भले उस पे लाइन ना हो, आप देख लेना लाइन नहीं हो, आप अपने हाथ को चेक कीजिए, तो पिता का सुख जरूर रहता है। यानी कि पिता इतने अच्छे होते हैं ना कि पिता के कारण हमारा अच्छा खासा जीवन चलता रहता है। अब उतना ही खराब कर्म कर लेंगे तभी उतना कुछ खराब होगा, नहीं तो ठीक ठाक चलता है। उसके बाद क्या होगा, पैतृक संपत्ति भी अच्छी खासी रहती है और घर परिवार में इज्जत मिल जाता है, अच्छा खासा इज्जत मिल जाएगा आपको। उसके बाद कहीं जाएंगे तो एक छोटा मोटा जॉब भी मिल जाएगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब भी मिल जाएगा, या फिर रिस्पेक्टफुल लाइफ रहेगी। ठीक है, ये तो हो गई, चलिए ये तो नॉर्मल लाइफ है। अगर आप इससे बेहतर लाइफ देखना चाहते हैं तो आप अपने सूर्य माउंट को देखिए। आपको हमेशा अपने एक्टिव हैंड को चेक करना है, ठीक है, अपने एक्टिव हैंड को देखना है, जो भी एक्टिव हैंड आपका, हैंड लेफ्ट है या राइट है, जो भी है आपका, अपने एक्टिव हैंड को देखना है। ये जो आपका ये सूर्य माउंट है ना, ये प्लेनेट की एनर्जी को बताता है, यानी कि सूर्य की एनर्जी कैसा। आप हाथ को देखना और अपने कुंडली को देखना, जिसका भी सूर्य अच्छा होगा हाथ में, उसका कुंडली में जरूर सूर्य केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, उच्च का हो, मित्र राशि के साथ में हो, कुछ अच्छा योग बना रहा होगा। तो बिल्कुल कहीं भी कुंडली और हाथ अलग नहीं होता, दोनों बिल्कुल मिलके चलते हैं। आप इस चीज को चेक कर सकते हैं, मैंने तो बहुत बार चेक किया है। सूर्य रेखा पे आते हैं, सूर्य का माउंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है ना, सूर्य के माउंट। अब देखिए सूर्य का माउंट, जैसे इस पिक में आप ये सूर्य का माउंट, यहाँ पे अगर शॉर्ट इस तरह से है सूर्य रेखा, माउंट जो मैंने बताया पफी हो, पिंक हो, लाइक इस तरह से हो, और उस पे शॉर्ट हो, अब क्या होगा, देखिए अगर हार्ट लाइन से ऊपर हो, हार्ट लाइन से ऊपर अगर सूर्य रेखा हो, तो इसका मतलब है कि आप 45 साल के बाद, यानी कि लास्ट फेज में, एज के लास्ट फेज में आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन माउंट अच्छा हो, सब कुछ हो, तो पिता आपके या तो गवर्नमेंट जॉब में होंगे, या पिता के पास में इतनी संपत्ति होगी कि जो कि बहुत अच्छे से आप रह सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिस्पेक्ट जो आपको, एक अपना डिसीजन खुद लेना, या फिर एक रिस्पेक्ट भरी जो लाइफ है वो आप जियेंगे 45 के बाद। अब यहीं पे आप सूर्य रेखा देखिए नीचे जा रहा हो, हार्ट लाइन से जैसे नीचे गया और आपके माइंड लाइन को टच कर दिया, तो ये एज हो जाएगा आपका 32 के इयर्स का अराउंड, है ना, वो कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है, ये अराउंड में बता सकती हूँ कि 32 इयर्स से आप अपना डिसीजन खुद लेंगे, समाज में रिस्पेक्ट बढ़ेगा, घर से बाहर रिस्पेक्ट होगी आपकी, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट का कारक बोला गया, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ गवर्नमेंट जो, आज के टाइम में थोड़ा सा ना कहते हैं देश काल पात्र, तो अभी जो समय बदल गया है, आज कल गवर्नमेंट जॉब है, मतलब नॉर्थ साइड में है लेकिन और जगह उतनी ज्यादा नहीं है, तो आप विदेशों से, फॉरेन से अच्छा काम कर सकते हैं, उनके साथ अच्छा आपका ताल्लुकात रहे। अगर सूर्य आपका अच्छा हो, आप देखना कुंडली में भी, जरूरी नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, जिसका सूर्य अच्छा है कुंडली में या हाथ में, जरूरी नहीं हो गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे पैकेज में MNC कंपनी वगैरह में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी फायदा आज के टाइम में सूर्य स्ट्रांग होने का मिल रहा है। इसमें सिर्फ हम लोग क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग सिर्फ राहु को ही बोलते, अरे राहु अच्छा है, विदेश, नहीं, अगर आपका सूर्य का सपोर्ट नहीं रहा ना, देश विदेश कहीं भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर कहीं रिस्पेक्ट आपको थोड़ा भी मिल रहा है ना, तो समझ लीजिए कि आपका सूर्य बहुत अच्छा है। अब देखिए सन माउंट फ्लैग हो, लास्ट में आप देखेंगे इसी तरह से नीचे करते जाएंगे, मान लीजिए 22 साल इस तरह से होता है। अब यहाँ पे एक फ्लैग साइन है, अच्छा, जिसपे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियन का हाथ में मैंने देखा है, ये फ्लैग हो, फ्लैग का मतलब क्या, ये ध्वजा का साइन, इसको ध्वजा, अब ध्वजा हम लोग कब लहराते हैं, परचम कब लहराते हैं, जब हमारी जीत होती है ना, तभी हम लोग झंडे गाड़ते हैं ना, हम लोग ध्वजा लहराते हैं, या फिर कोई शुभ काम प्रारंभ करते हैं, या फिर कोई शुभ काम हमारा हो जाता है तो ध्वजा लगा। तो ध्वजा यदि नेम फेम बहुत बड़े लेवल का, इसीलिए हम लोग ना क्या बोलते हैं, ये लोग पॉलिटिकल सक्सेस होते हैं, जिनके भी हाथ में ध्वजा का साइन है, अगर उनको इंटरेस्ट है तो पॉलिटिकल सक्सेस होंगे। अगर आप मान लीजिए कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज में भी आप देखेंगे ये लोग छात्र नेता बन के उभरते हैं, जिस भी एज में रहेंगे, जिस भी वातावरण में रहेंगे, उस तरह के काम ये लोग करते हैं नेता। अच्छा, एक चीज और होता है, अगर मान लीजिए इस तरह से हो, तो ये लोग नेता, अभिनेता बनते, अभिनेता बनने में भी हम लोगों को नेम फेम मिलता है। देखिए ये होता ही है नेम फेम का। अगर इस पे डबल लाइन हो तो क्या हो, सूर्य रेखा पे डबल लाइन, देखिए सूर्य रेखा पे अगर डबल लाइन होता है ना, ये लोग बाय बॉर्ड
और नहीं ये लोग डबल फेम पाते हैं। अब डबल फेम किसको बोलते हैं? डबल फेम का मतलब हो गया कोई बच्चा बहुत ही अच्छे सेलिब्रिटी के घर में जन्म ले लिया, कोई विराट कोहली के घर में जन्म लिया तो वो तो सेलिब्रिटी के नाम से अपने आप मशहूर है, शाहरुख खान के घर में जन्म ले लिया है तो वो तो अपने आप हीरो के नाम से मशहूर हो गया, एक तो फेम उसको वहां मिल गया। अब वो काम उतना ही अच्छा करेगा ताकि उसको पिता के नाम से तो जाना ही जा रहा है, साथ ही साथ उसका अपना भी नाम हो जाएगा। जैसे अभी ट्रेंडिंग में चिराग पासवान चल रहे हैं तो वो तो अपने पिता रामविलास पासवान के नाम से जाने ही जा रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने जो भी अभी किया है पॉलिटिक्स में तो वो अपने वजह से भी जाने जा रहे हैं, है ना। अभिनेता भले सफल नहीं लेकिन नेता के रूप में वो सफल हो रहे हैं, तो आप इसको कह सकते हैं डबल फेम। जिनका भी इस प्रकार से हो तो उनको डबल फेम मिलता है, समझ गए? आई थिंक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डबल फेम किसे बोलते हैं। उसी प्रकार ट्रायंगल हो तो गुड स्टेबिलिटी हो जाता है मनी का बहुत ही कम एज में, जिसके भी सन माउंट पे ट्रायंगल हो तो उनके जो पैसे से रिलेटेड है ना अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।